महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी ने की जन सुनवाई। 9 माह बाद भी अपराधियों की नहीं हुई गिरफ्तारी, थाना नेबुआ नौरंगिया का मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। मामला कुशीनगर जनपद के थाना नेबुआ नौरंगिया का है, जहां मार्च 2021 में एक लड़की को पड़ोस की ही महिला द्वारा मेहंदी लगाने के नाम पर साथ ले जाकर नशीली लड्डू खिलाने के बाद अपने रिश्तेदार अपराधियों को सौंपने का मामला प्रकाश में आया था। लड़की के लापता होने के बाद पिता ने नेबुआ नौरंगिया थाने में तहरीर दी थी, और जिस पर अपहरण का मुकदमा दर्ज होकर केवल खानापूर्ति की गई। जब लड़की का अश्लील वीडियो वायरल हुआ तो पीड़िता के पिता द्वारा दबाव बनाने पर अपराधियों ने लड़की को कप्तानगंज रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर रफू चक्कर हो गए। वहीं जब पीड़िता ने अपनी रूह कपा देने वाली आपबीती बताई तो सभी आला अधिकारियों को लिखित शिकायत देने के बाद कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि पीड़िता के लिखित तहरीर व अश्लील वीडियो को महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी के हस्तक्षेप के बाद अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। घटना के 9 महीने बीत जाने पर भी अभी शेष 5 अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी के जन सुनवाई में पहुंचकर बाकी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि शेष अभियुक्तों की कब गिरफ्तारी होती है और इस मामले में लिप्त महिला के खिलाफ कब कार्रवाई होती है। वहीं जन सुनवाई में अपने बचपन के दोस्त के साथ शादी करने के लिए 2 जोड़े पहुंचे थे और अलग अलग धर्म के होने के नाते उनको शादी करने में अड़चने आ रही थी, या यूं कहे वर्तमान की जो नीतियां हैं उन नीतियों के साथ लव जिहाद के मामले को लेकर वह काफी सकते में थे। दोनों परिवार आपसी सहमति से वहां पहुंचे थे, जिस पर महिला आयोग की सदस्य द्वारा आपसी रजामंदी और कागजात पूरी करवाने के बाद शादी करवा दी गई, जिसकी सराहना चारों तरफ हो रही है। इस पूरे वीडियो में आपको सुनाएंगे कि पीड़िता ने इस पूरे बाबत क्या कहा, वहीं महिला आयोग की सदस्य का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। टीम जनमंच खबर के लिए हाजरा अंसारी की रिपोर्ट। मामला 4 लोग मिलकर मेरे साथ गलत किए हैं। एक का नाम आदित, एक का नाम अंजर, एक का नाम फैसल, एक का नाम अतीत की गिरफ्तारी हो गया और तीनों का नहीं हुआ है। और जो मेरे साथ जमकुलिया की गई औरत, उसको समसंग जैसा कुछ को भी नहीं हुआ है। उसका पति को भी नहीं हुआ है, मौसम अंसारी को, और पप्पू को भी नहीं हुआ है। वो धमकी दे रहा है मेरे घर को। कितने लोग थे? 6 लोग थे। तो गिरफ्तारी हुआ है ना इसमें? एक का हुआ और 6 लोग का नहीं हुआ। आयोजन हुआ है, कुल कितने मामले आए, किस तरह का निस्तारण हुआ? 97 मामले आए, जिसमें से 14 निस्तारित हुआ है, और 75 मामले थे जो 75 आवास का मामला था, जिसमें लोगों को आवास मिला। बाकी अभी मामले देख रही हूँ मैं, उसको भी निपटारा हो गया। एक नेबुआ नौरंगिया का मामला है मैडम, एक लड़की के साथ रेप होता है, पीड़िता बता रही है आपके सहयोग से मुकदमा दर्ज हुआ, एक गिरफ्तार हुआ है, बाकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उस पर वो भी हो जाएंगे गिरफ्तार, बक्से नहीं जाएंगे, उनका भी गिरफ्तारी जल्दी होगी। एक अहम सवाल आया है सुनवाई के दौरान ही, 2 समुदाय के, एक युवती दूसरे समुदाय के थी, युवक दूसरे, वैवाहिक जीवन में का कार्य किया गया है, क्या है, किस तरह से मतलब कोई कानून में आने वाले भविष्य में अड़चन आती है तो क्या होगी? अड़चन तो नहीं आनी चाहिए, दोनों अपनी सहमति से शादी किए हैं और हमें लगता है कि उनका परिवार अच्छे से बीतेगा और अच्छा चलेगा। अगर कोई बीच में थोड़ी बहुत अड़चन भी आती है तो देखा जाएगा, वैसे हमें नहीं लगता कि अड़चन आएगी। दोनों खुश थे, दोनों युवती युवक के परिजन संतुष्ट थे। हाँ, संतुष्ट थे। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।